हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो एचवीएसी में यूज होने वाले पंप हैं उनके हेड और फ्लो के बारे में बात करेंगे। हेड हम किसे कहते हैं, फ्लो क्या होता है, इसको हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे एचवीएसी के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिकल वीडियोस और थ्योरेटिकल वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और सब शेयर करें दोस्तों के साथ। तो आपको एक नेम प्लेट दिख रहा है अभी आपके स्क्रीन पे। ये नेम प्लेट मैंने चिल्ड वाटर पंप का लिया है। ये मेरी किसी साइट पे यूज होने वाला जो चिल्ड वाटर पंप था उसका एक मैंने नेम प्लेट का फोटो लिया है। तो नेम प्लेट में जब आप जाते हैं, नेम प्लेट का फोटो लेते हैं, तो उसमें एक चीज होती है, उसका मॉडल नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, उसका मैक्सिमम प्रेशर होता है, और जो आप चीज देखेंगे यहाँ पे मीटर क्यूब पर आवर होता है जिसको हम फ्लो बोलते हैं, और मीटर होता है जिसको हम हेड बोलते हैं। इसमें लिखा नहीं होता हेड क्या है और मीटर क्यूब पर आवर क्या है, तो आपको यूनिट से समझना होगा। जो मीटर है वो हेड है और जो मीटर क्यूब पर आवर है वो फ्लो है, वाटर का फ्लो रेट है। के डब्ल्यू मतलब इसका पावर कंजप्शन है, और आरपीएम इसका रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब कितने रिवोल्यूशन पर मिनट में ये सर्कुलेट रोटेट होगा। तो इसमें जो मेनली दो चीज होती है, मीटर जिसको हम हेड बोलते हैं और मीटर क्यूब पर आवर जिसको हम फ्लो रेट बोलते हैं, इसके क्या मतलब है इसको हम डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो गाइस, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे हेड का कि हेड क्या है। तो हेड को समझने के लिए मैंने आपको एक यहाँ पे पिक्चर लगाया है, इसमें मैं बताऊंगा। हेड का मतलब वो होता है, जैसे अगर 20 मीटर हेड है, पंप का 20 मीटर हेड है, या 10 मीटर हेड है, या 100 मीटर हेड है, उसका मतलब ये होता है कि जो पंप है वो उतनी वर्टिकल डिस्टेंस तक पानी को फेंक सकता है, उतनी हाइट तक, उतनी ऊंचाई तक पानी को वो फोर्सफुली थ्रो कर सकता है, फेंक सकता है, जितनी उसका हेड डिजाइन है। सपोज कर लो अगर कोई पंप है जिसका हेड 100 मीटर डिजाइन है, अगर इस पर लिखा हुआ है कि 100 मीटर है हेड, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर पंप यहाँ से अपना पानी को उठाता है, सक्शन से पानी लेगा, अभी तो ये नेगेटिव सक्शन इसमें दिखा रखा है, तो अगर सपोज कर लो ये सक्शन से पानी उठाता है, और पानी उठाने के बाद जितनी मैक्सिमम हाइट तक ये फेंकेगा उसको हम हेड बोलते हैं। अगर सपोज कर लो ये 100 मीटर हेड का अगर पंप है, तो ये आप प्रैक्टिकली देखेंगे ये पानी को 100 मीटर की ऊंचाई तक थ्रो कर सकता है, उससे ज्यादा हाइट पर ये पानी को नहीं फेंक सकता है। तो हेड का जो ये मतलब होता है, आम अगर मैं बात करें तो हेड ये बताता है कि जो भी पंप है वो पानी को वर्टिकल डिस्टेंस तक कितना फेंक सकता है। जैसे कि अगर मैं इस पंप की बात करूं, इस पंप में अगर 31 मीटर हेड लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप इस पंप को चलाएं और वर्टिकल पाइप कनेक्ट करें 31 मीटर तक, तो ये पंप जो है 31 मीटर की हाइट तक पानी को फेंक पाएगा, उससे ऊपर पानी नहीं जाएगा। तो ये हेड है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई पंप सिलेक्शन करना है, कोई डिजाइन करना है, कोई आपसे पूछे कि मैं जो मेरी जो टंकी है पानी की वो मेरे टेरेस पे है, 20 मीटर की हाइट पे है, तो मुझे कितने हेड का पंप लेना चाहिए, तो आपको बोल देना है कि 20 से 25 मीटर हेड का आप पंप लगा दो, क्योंकि 5 मीटर आपका कहीं फ्रिक्शन लॉस होता है और बेंड होते हैं, बहुत सारे लॉस होते हैं जो हम आपको पंप हेड के कैलकुलेशन में बताएंगे। तो आई होप आप पंप के हेड का मतलब समझ गए होंगे। दूसरी चीज होती है फ्लो। हम लोग बात कर रहे थे फ्लो, अब फ्लो क्या होता है, तो मैं आपको फ्लो का आपको समझा दूं। फ्लो रेट ये होता है कि पंप पे किसी स्पेसिफिक टाइम में पानी को, कितने अमाउंट ऑफ पानी को या वाटर को वो जो है थ्रो करेगा। जैसे आप इसमें देखेंगे लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन गिवन टाइम ऑफ फ्रेम। सपोज कर लो कि अगर आपके पास एक टैंक है जिसका, इस टैंक में अगर आप पे 100 मीटर क्यूब इस टैंक का वॉल्यूम है, 100 मीटर क्यूब इस टैंक का वॉल्यूम है, और इस पंप से अगर आप 1 घंटे में इस टैंक को भर देते हैं, तो इस पंप का जो फ्लो कहलाएगा वो 100 मीटर क्यूब पर आवर। तो फ्लो रेट का जो फार्मूला होता है, सॉरी जो यूनिट होती है, वो मीटर क्यूब पर आवर भी होता है, गैलन पर मिनट भी होता है जिसको हम जीपीएम बोलते हैं, लीटर पर सेकेंड भी होता है,
तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि जो पंप का जो फ्लो रेट होता है वो ये बताता है कि हमारा पंप 1 घंटे में कितने मीटर क्यूब पानी को वो सर्कुलेट करा सकता है, कितने 1 घंटे में कितने मीटर क्यूब पानी को थ्रो कर सकता है। जैसा कि मैं अभी अपने पिछले में जाए, इसमें अगर आप देखेंगे पिछले स्लाइड में, इसमें लिखा हुआ है 738 मीटर क्यूब पर आवर। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये पंप है वो 738 मीटर क्यूब जो आपका वॉल्यूम है वाले टैंक को 1 घंटे में भर देगा। तो मीटर फ्लो रेट और हेड का रिलेशन नहीं होता है कि अगर हमारा हेड बढ़ रहा है तो मीटर क्यूब ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पंप हमारा डिजाइन होता है वो इस डिजाइन होता है कि ये 20 मीटर हेड पे ये इतना फ्लो कितना जीपीएम फ्लो फेंक पाएगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर 100 मीटर क्यूब पर आवर वाला अगर हमें चाहिए, फ्लो रेट चाहिए, तो उसका हेड क्या होगा। वो 20 मीटर हेड वाला पंप भी 100 मीटर क्यूब पर आवर पानी फेंक सकता है, 50 मीटर हेड वाला जो पंप होता है वो भी 100 मीटर क्यूब पानी 100 मीटर क्यूब पर आवर पानी फेंक सकता है। एक चीज आती है पंप का हेड और फ्लो कर्व चार्ट आता है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कोई पंप जो दिया हुआ है वो चार्ट क्या बोलता है, चार्ट का क्या मतलब है, उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप आपको पंप के हेड और फ्लो का मतलब समझ में आ गया होगा। तो गाइस आप वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस।